आज द जॉन एंकरबर्ग शो में आधुनिक विज्ञान खोज निकालता है कि संसार की एक शुरुआत है, इस खोज को किस तरह से उपयोग कर सकती है। ये वचन की आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, वो वही बताता है जो विज्ञान ने खोज निकाला है। एस्ट्रोनॉमर जॉर्ज स्मूथ यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ने घोषित किया, हमने जो पाया है वो पृथ्वी के जन्म का सबूत है। इन्होंने कहा ये परमेश्वर की ओर देखना है। अर्नो पंजीएस, जिन्हें फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला है कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन की खोज के लिए, वो कहते हैं एस्ट्रोनॉमी हमें अद्भुत घटना की ओर लेकर जाती है। ये संसार जो शून्य से बनाया गया है, एक बहुत ही पेचीदा बाउंस जरूरी था कि सही परिस्थिति बना सके, कि जीवन को वहां पर होने दे। शायद कोई कहे कि इसमें दबी हुई योजना थी, या कहे अलौकिक योजना थी। एस्ट्रोनॉमर जॉर्ज ग्रीन टाइन ने अपनी किताब सिंबॉलिक यूनिवर्स में कहा कि क्या यह संभव है कि अचानक बिना किसी मकसद से हम वैज्ञानिक सबूतों पर लड़खड़ा गए उन अलौकिक के अस्तित्व के बारे में। और स्टीफन हॉकिंस ने कहा यह समझना बहुत ही मुश्किल है कि संसार केवल इसी तरह से शुरू हुआ है, केवल उस परमेश्वर के काम के बिना, उस प्रभु के काम के बिना जिसने हमारे जैसे लोगों की अपेक्षा की है। आज मेरे मेहमान हैं एस्ट्रोनॉमर डॉक्टर ह्यूज रॉस, जिन्होंने एस्ट्रोनॉमी में पीएचडी की है यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो से, और पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च किया है कैंटेक अल्क्वेजा से। ये बहुत सी किताबों के लेखक हैं, जिनमें इनकी नई किताब है नेविगेटिंग जेनेसिस। हम न्योता देते हैं कि हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ जाएं। प्रोग्राम में स्वागत है, ये अद्भुत प्रोग्राम है और हम चर्चा कर रहे हैं कि प्रभु ने उत्पत्ति अध्याय एक में क्या कहा है, और हम इसकी तुलना कर रहे हैं कि आधुनिक विज्ञान ने क्या पाया और जो इससे जुड़ता है। जब आप इन दोनों को एक साथ रखते हैं तो ये अद्भुत है। आज मेरे मेहमान एस्ट्रोनॉमर और एस्ट्रोफिजिसिस्ट डॉक्टर ह्यू रॉस, और आज हम पिछले हफ्ते जो देखा था उससे आगे बढ़ेंगे, यानी संसार की शुरुआत है, आरंभ है। साइंटिस्ट हमेशा यही निष्कर्ष निकालना चाहते हैं कि, लेकिन बहुत से सबूतों के द्वारा मानना पड़ता है कि संसार की शुरुआत है, आरंभ है। और ये तो हाल ही की बात है, ये समय और संसार की बात है। उदाहरण के लिए आपने कहा ह्यू कि तारे 80 बिलियन साल से जल रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि आपने ये भी कहा कि ये संसार केवल 13.8 बिलियन साल पहले बना है, यानी कहीं तो शुरुआत हुई है, किसी ने शुरू किया है। और हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं कि प्रभु ने क्या किया और प्रभु ने वचन में क्या कहा है। अब चलिए वापस चलते हैं उन पहले वचनों में। ये अद्भुत वाक्य है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और हिब्रू भाषा में बताती है कि ये वर्ब कहां पर है, ये वाक्य में कहां पर रखा गया है। यह हमें बहुत कुछ बताता है यहाँ क्या हो रहा है, जरा बताइए जी। इस वाक्य में हिब्रू शब्द की जगह हमें बताती है कि क्या हम समय क्रम ये कतार में है या नहीं। हम देखते हैं उत्पत्ति एक एक से तीन में, जी हाँ, सृष्टि पहले बनाई गई, फिर पृथ्वी को आकार दिया गया, फिर हम सृष्टि के पहले दिन में आते हैं। यानी हम समय के अनुसार सारे पॉइंट्स को देख रहे हैं बहुत ही उद्देश्यपूर्ण रूप से। अब फिर यहाँ जब वचन दो में आते हैं, यहाँ अचानक सब कुछ बदल जाता है। जो अच्छा होता है वो स्वर्ग से नीचे पृथ्वी पर आते हैं, पृथ्वी बेडोल और सुनसान थी। ये कहता है पृथ्वी पर गहरा अंधकार छाया था और परमेश्वर का आत्मा जल पर मंडरा रहा था। यह हम और क्या देखते हैं, ये कहते हुए शुरू होता है कि ये खाली और योग्य नहीं थी। और इस संदर्भ में बाकी अध्याय जीवन के बारे में कहता है, यानी मैंने अर्थ निकाला कि इसमें जीवन नहीं था और यह जीवन के लिए योग्य नहीं थी। पानी सारी पृथ्वी पर भरा था और पानी की सतह पर अंधकार था, और परमेश्वर हमें बता रहा था कि 6 दिनों में क्या होने वाला है, उसकी दृष्टिकोण से जो पृथ्वी पर के पानी पर से ये सब देख रहा था। मुझे दिलचस्प लगा जब आप अविश्वासी होकर इसे पढ़ रहे थे, इस बात के लिए साइंटिफिक ड्यू स्पॉट देखा, पृथ्वी पूरी तरह से पानी से ढकी नहीं थी, लेकिन बाद में ये हुआ
इसके बारे में बताइए। जी, मेरा सौभाग्य रहा है कि ब्रिटिश कोलंबिया से कुछ क्लास कर पाऊं उन लोगों से जिन्होंने प्लेट टेक्टोनिक लॉन्च किया था। प्लेट टेक्टोनिक ही हमें बताता है कि पृथ्वी की शुरुआत बड़े गहरे समुद्र से हुई थी और धीरे धीरे ये आकार लेने लगी, और ये मुझे मेरी समझ देने लगी कि उत्पत्ति एक में क्या कह रहा है, जब मैं इसे पहली बार पढ़ रहा था 17 साल की उम्र में। ठीक है, अब हम पहली क्लिप देखेंगे। ये सुंदर डॉक्यूमेंट्री मूवी है जो हम क्या कर रहे हैं उसे समझने में मदद करेगी कि कैसे प्रभु ने इस संसार को बनाया है। चलिए एक कदम पीछे चलते हैं कि प्रभु ने हमारी पृथ्वी को बिल्कुल सही जगह पर रखा है, स्पेस में, हमारी गैलेक्सी में। और दोस्तों, आप विश्वास नहीं कर पाएंगे, इसे देखें। पृथ्वी बिल्कुल सही जगह पर रखी गई है कि जीवन के लिए सारे महत्वपूर्ण चीजों को प्राप्त कर सके। हालांकि हमारे ब्रह्मांड के तारे भी इतने ज्यादा है जैसे इस बीच पर रेट के कण है, लगभग 100 बिलियन। बहुत से एस्ट्रोनॉमर्स उस बात से सहमत है कि हो सकता है हमारे पास इसी तरह निवास करने लायक और कोई ग्रह हमारे पास हो सकता है। यहां तक कि बिल्कुल सही प्लैनेटरी सिस्टम में उसे डेथ स्टार्स के बिल्कुल सही पदार्थ से बनाया जाना था। एक और बेचैनी बात की ओर ध्यान देना चाहिए, लाइफ सपोर्ट ग्रह तो उस जगह पर होना चाहिए जो बिल्कुल सही जगह पर होगा, इसी गैलेक्सी के बीच ही। हमारे गैलेक्सी के बीच में सब बहुत कसाव में है, जहां करोड़ों तारे जिनका आकार और गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव लाइफ सपोर्ट ग्रहों का रहना असंभव कर देता है, और यहां रेडिएशन भी बहुत ज्यादा है, जीने की तुलना में बहुत ज्यादा है। हमारे गैलेक्सी के बाहरी कोने में स्टेलर पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा होती है प्लैनेट बिल्डिंग के लिए। जब हेवी एलिमेंट सुपरनोवा द्वारा उत्पन्न होते हैं और सफेद वॉरफाइनरी बहुत कम होती है और बीच में होती है, ज्यादा बिल्डिंग मटेरियल नहीं होता कि प्लैनेट्स बना सके। हमारे गैलेक्टिक सेंटर से किसी भी दूरी पर स्पाइरल आर्म के बीच की कंडीशन प्लैनेट को बनने से रोकती है। खासकर हमें इस सोलर सिस्टम में, हम इतने सिद्ध जगह पर है स्पाइरल के बीच ही, हम सेंटर के बहुत करीब नहीं और ना ही बाहरी एज के करीब है। हमारे बिल्कुल सही लोकेशन केवल हमारे अस्तित्व को ही अनुमति नहीं देती है, लेकिन साथ ही हमें देखने देती और विवरण देती है हमारे स्पेस का। हाइड्राइड्स की दीवार नहीं, बड़े डस्ट क्लाउड्स हमारा व्यू भी नहीं रोकते हैं। मेरे लिए ह्यू ये बहुत अद्भुत बात है, किसी तरह से ये मुझे चकित करता है। और मैंने आपके टेक्स्ट पढ़े हैं जो आपने किताबें लिखी हैं। मैंने ये जाना कि ये छोटी जगह जहां पर पृथ्वी को रखा गया है स्पेस में, हमारी गैलेक्सी में, इसे हम देख सकते हैं, इसे शुरू से देख सकते हैं। यानी आप एस्ट्रोनॉमर इन घटनाओं को ट्रैक कर सकते हैं, आप ये ट्रैक कर सकते हैं, और वो विंडो जिसमें हम सारी घटनाओं को देख सकते हैं वो बहुत बहुत छोटी है और हम उसमें हैं। जी, हमें बताइए क्यों उसमें है। ठीक है, जो चीजें हमें चाहिए मनुष्यों के लिए और सिविलाइजेशन होने के लिए, हमारा ग्रह तो गैलेक्सी के केंद्र के पास होना चाहिए जहां हेवी एलिमेंट्स का लोड है, और फिर वो सही तरह से निकालकर सुरक्षित जगह पर ले जाया जाना चाहिए जहां जीवन अस्तित्व में आ सके। यानी हम उस सुरक्षित जोन में हैं जहां हम पास के तारे और गैलेक्सी के गैस, क्लाउड और रेडिएशन का मार भी खाते हैं, लेकिन ये सुरक्षित जगह भी सबसे संभव जगह है पूरे ब्रह्मांड में कि हम एस्ट्रोनॉमर केवल हमारी गैलेक्सी ही न देखे लेकिन ब्रह्मांड की दूसरी गैलेक्सी को भी देखे। और इसमें क्षमता है कि समय को शुरू से देख सकें और हम खोज सके वो सहमत करने वाली बातें कि स्पेस, जगह और समय से परे कुछ है जो हमें जानना जरूरी है। हमें उत्पत्ति एक से वापस बताइए। हमने पीछे जाकर उससे देखा, उत्पत्ति अध्याय एक वचन एक से, और वचन दो में हम जा रहे हैं जहां परमेश्वर ने पृथ्वी बनाई। जी, ये शुरू होता है कि परमेश्वर ने संसार को बनाया। इसके पहले कि वचन दो में आए, परमेश्वर ने बहुत ही सावधानी से ब्रह्मांड को बनाया। ये तो सोलर सिस्टम का बनाया जाना है इस ब्रह्मांड में ही, यानी ये पहले तो संभव हो सके, और फिर स्टेज टू में स्टेज मानो बना गया था कि परमेश्वर जीवन बनाए यहाँ इस पृथ्वी पर। जी, इसके पहले कि वो हमें पृथ्वी पर रखता, उसने पृथ्वी को सुरक्षा दी। और मैं चाहता हूँ कि लोग इसे आगे देखे कि जब हम परमेश्वर के बारे में कहते हैं वो बनाता है और अच्छा क्यों करता है हमारे संसार और पृथ्वी को,
हम मजाक नहीं कर रहे हैं, ठीक है? मैं चाहता हूं कि आप ये क्लिप देखें और हम दिखाएंगे कि कैसे जुपिटर एक बड़ा ग्रह सही जगह पर रखा गया है कि यहां रहते हुए हमारी सुरक्षा हो। इसे देखिए। अब हमारी यात्रा का अगला स्टॉप होगा एक बड़ा ग्रह जुपिटर, जो हमसे मंगल की तुलना में 10 गुना ज्यादा दूर है। जुपिटर पृथ्वी से 40 लाइट मिनट की दूरी पर है। इसका अर्थ है कि जुपिटर से ज्योति निकलने पर पृथ्वी पर पहुंचने के लिए 40 मिनट लगते हैं। जुपिटर में ऐसे कोलोसस है जो हमारी प्लैनेट सिस्टम और सोलर सिस्टम को जोड़ने के बाद भी ये 2.5 गुना ज्यादा है। ये बड़ा लाल स्पॉट जो हम देखते हैं, जैसे हम इससे जुपिटर के इन बड़े लेयर में देखते हैं, ये दिखता है कि 2000 मील प्रति घंटे का बवंडर है जो शतकों से चल रहा है। कि इस स्पॉट के बारे में कुछ दृष्टिकोण दे कि ये स्पॉट अर्थ डायमीटर के जैसे हैं। 1990 के दौरान रिसर्च करने वालों ने जुपिटर के बहुत से भेद जानने की कोशिश की, जैसे कि किस डिग्री तक लाइट इन मोटे बादलों में जा सकता है और क्या इस गर्म पर चट्टाने हैं या केवल बहुत घनी गैस है। उनके जांच के दौरान उन्होंने सबूत ढूंढ निकाले हैं कि पृथ्वी के लिए जुपिटर का महत्व क्या है। जुपिटर रखा गया और ऐसे आयाम में है कि पृथ्वी को कोलिजन से बचा कर रखें। ग्रह इतना मजबूत और बड़ा है, खासकर कॉमेट और एस्ट्रॉइड्स को रोकते जो पृथ्वी के कोलिजन कोर्स में चल रहे हैं। मौका मिलते ही जुपिटर खुद वो मार खाता है, जैसे इस 1994 की घटना में कॉमेट शूमेकर लेवी से। कॉमेट शूमेकर लेवी की एक फ्रैगमेंट मैन एटलांटिस से भी छोटा था। उनमें से 21 तो फायर बॉल्स फेंक रहे थे 10,000 मील से भी ऊंचे, जिससे जुपिटर में पृथ्वी के आकार का नुकसान हुआ है। यदि कोई ग्रह जो जीवन को बचा सकता है, उसके लिए जुपिटर के आकार का स्टैंडिंग गार्ड चाहिए जो जीवन नाश करने वाले एस्ट्रॉइड के प्रभाव से बचा सके। जुपिटर का आकार और जगह पृथ्वी के बचाव के लिए बहुत जरूरी है। एक और कारण है, यदि जुपिटर अपने आकार से थोड़ा बड़ा होता और यदि वो पृथ्वी के पास आता तो पृथ्वी के चक्र में उसका गुरुत्वाकर्षण बहुत गड़बड़ी करता था। जुपिटर बिल्कुल सही आकार का रक्षक है, बिल्कुल सही जगह पर। अब यू ये क्लिप अद्भुत है, लेकिन कुछ लोग कहेंगे ये तो ऐसे ही है, ये हुआ और हम लकी थे, ठीक है? लेकिन आप कह रहे हैं कि लगभग 850 स्वभाव गुण हैं इस संसार में जिसे आप वैज्ञानिकों ने खोजा है, और जब आप इन्हें जोड़ते हैं तो ये लकी नहीं है, ये तो लकी से बहुत बढ़कर है। जी, लकी से बहुत बढ़कर है, जैसे कि एक मौके से भी कम है। 10 को 1050 से गुना करने पर मिलता है, ये तो अलौकिक चमत्कारी बात के सिवा कुछ नहीं हो सकता। इसकी तुलना किससे कर सकते हैं? जी, इसके बारे में कह सकते हैं कि आप कैलिफोर्निया लॉटरी जीतते हैं 150 सेकंड में, यदि आप हर समय टिकट खरीदते हैं तो। यानी ये सच्चाई है कि जैसे एस्ट्रोनॉमर ने इसे देखा है, ये निष्कर्ष जिसे उन्हें स्वीकार करना ही पड़ा, वो क्या है? देखिए, ऐसे लोग जैसे पॉल डेविस अपनी किताब में इस तरह बताते हैं कि ये रोमांचित करने वाला सबूत है जो बनाया गया है। वो खुद इसे दोष निकालने वाले के रूप में दिखाते हैं कि यदि उसका इनकार नहीं कर सकते, इस डिजाइन का ये सबूत ये तो सब जगह पर है। थियोलॉजिकली ये उसके बारे में क्या कहता है जिसने इसे बनाया है? ये हमें बताता है कि जिसने जगह और समय बनाया है और सारी सृष्टि बनाई, वो भी एक व्यक्ति ही होगा, क्योंकि हम फाइन ट्यूनिंग डिजाइन को देख रहे हैं और इसके लिए बहुत बुद्धि लगती है और ज्ञान और रचनात्मकता और सामर्थ्य जो हम मनुष्य प्रकट कर सकते हैं, और ये तो केवल एक व्यक्ति के स्वभाव गुण हो सकते हैं। यानी परमेश्वर जिसने ये सृष्टि बनाई है, वो किसी तरह की दूर की कोई शक्ति नहीं है, वो तो सच में एक व्यक्ति है। खैर, हम इसके बारे में वापस आने पर चर्चा करेंगे, हम संसार के अच्छे ट्यून करने के बारे में भी वापस आने पर चर्चा करेंगे। आप विश्वास नहीं करेंगे कि कैसे सैटर्न और नेपच्यून के बारे में, अपने चक्र से यदि वो इस जगह पर नहीं होते तो ये बहुत विनाशकारी होता जीवन के लिए। तुम्हारे साथ बने रहे, जल्द लौटेंगे। यदि आप आज का टेलीविजन प्रोग्राम ऑनलाइन देखना चाहते हैं या फिर इस प्रोग्राम की ट्रांसक्रिप्ट पढ़ना चाहते हैं,
तो आप इसे अभी कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर जाएं jashow.org पर। हम लौट आए और चर्चा कर रहे हैं डॉक्टर ह्यू रॉस के साथ, एस्ट्रोनॉमर और एस्ट्रोफिजिसिस्ट। हम चर्चा कर रहे हैं संसार के कुछ गुणों के बारे में जो प्रभु ने बनाया और रचा है। ये बहुत जरूरी है, विज्ञान खोज कर रहा है। मैं एक और क्लिप दिखाना चाहता हूँ इस मूवी से, जर्नी टूवर्ड्स क्रिएशन से। ये आपके लिए उपलब्ध है। इसमें पृथ्वी के कुछ पड़ोसी के संबंध में बताया है। इस पर हम चर्चा कर रहे हैं केवल जुपिटर नहीं, यानी सैटर्न, नेपच्यून और उनके चक्र के बारे में। मैं चाहता हूं आप इसे देखें। पृथ्वी से और 40 मिनट दूर जाने पर हम एक और दानवी ग्रह पर पहुंचते हैं, सैटर्न। सैटर्न जुपिटर की तुलना में एक तिहाई है और ये बाकी सब ग्रहों से बढ़कर है। जुपिटर को छोड़कर बाकी से कई गुना बड़ा है। 1000 पृथ्वी सैटर्न में फिट हो सकती है। अगले दो ग्रह जो हम देखते हैं वो भी गैस जायंट्स है, यूरेनस और नेपच्यून। यूरेनस पृथ्वी से 15 गुना बड़ा है। जैसे सारे ग्रह बड़े हैं जिसमें जुपिटर और सैटर्न है, ये ज्यादातर गैस है। यूरेनस सैटर्न जैसे कंसेंट्रिक रेंज से घिरा है, लेकिन सोलर सिस्टम के दूसरे ग्रहों जैसे नहीं है, क्योंकि इसकी रोटेशन एक्सिस सूरज की दिशा दिखाती है। नेपच्यून यूरेनस से थोड़ा बड़ा है, जिसमें एक बड़ा डार्क स्पॉट है। माना जाता है कि इसमें भी एक बड़ा स्थिर बवंडर है जो जुपिटर के लाल स्पॉट जैसे ही है। नेपच्यून के सबसे बड़े मून ट्रेड तो ग्रह के रोटेशन की उल्टी दिशा में घूमता है। ये वीडियो तो नेपच्यून के बनने के बाद का है। नेपच्यून तो पृथ्वी से 4 लाइट आवर्स दूर है। नेपच्यून की सतह से सूरज केवल आसमान में एक ज्योति जैसे ही दिखाई देता है। नेपच्यून इतना नाजुक है कि अमोनिया और नाइट्रोजन वहां तरल हो जाते हैं और गैसोलीन फ्रीज हो जाता है। ये 4 गैस जायंट्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, अद्भुत चक्र में घूमते हैं एक सतह, एक ही समतल जगह पर। ये खड़े होकर अब तक खोजे गए गैस जायंट्स का सामना करते हैं, उनका जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर के हैं, जिसमें उनका ऑर्बिट तारों के बहुत करीब है, या एलिप्टिकल या नॉन हॉरिजॉन्टल ऑर्बिट है। उनके नियुक्त मार्ग में जरा भी बदलाव तो पृथ्वी के जीवन के लिए विनाशकारी होगा। यूं यदि हम इसे देखें तो ये पूरी तरह से चकित करता है कि कैसे प्रभु ने संसार को किस तरह से बनाया है। पृथ्वी पर बहुत खास ध्यान दिया गया है। हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ हम देखते हैं कि उत्पत्ति अध्याय 1:1 से अब पृथ्वी पर आ रहे हैं और लगता है कि प्रभु ने खास ध्यान दिया है इस छोटे नीले डॉट पर। क्या ये सच है? ये सच में सत्य है। हम इसे गवाहियों में देखते हैं, हमारे सोलर सिस्टम के हर प्लैनेट के संबंध में, और इस कॉमेट्स और एस्ट्रॉइड्स से सबसे अच्छी सुरक्षा पाने के लिए जुपिटर सबसे बड़ा होना चाहिए, सैटर्न दूसरा बड़ा होना चाहिए और दूसरे बड़े ग्रह उनके पीछे होने चाहिए। हमें इन चारों की जरूरत है इनके खास ऑर्बिट में। एक और बात जो हम ऑर्बिट में देखते हैं कि ऑर्बिट ऐसे हैं जिसमें हम ये मीन मोशन रेजिलेंस नहीं पाते हैं जो इसको डिस्टर्ब कर सकते हैं, और ये सच में इन पथरीले ग्रहों को पृथ्वी के पास आने नहीं देता है, उन्हें और छोटे यानी माइनर मीन मोशन रेजिलेंस बनाता है। सच में हमारे सोलर सिस्टम के हर ग्रह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इस तरह पृथ्वी ग्रह बहुत ही सुरक्षित रहता है। ये इस सच्चाई की गवाही देता है कि परमेश्वर ने जो भी बनाया ये तो खासकर इस पृथ्वी पर जीवन के लिए है, ये खासकर मनुष्य के जीवन और मनुष्य की बढ़ती के लिए है। जब बाइबल हमें बताती है कि प्रभु ने फिजिक्स के नियम बनाए हैं, उन्हें रचा है और वो शुरू से ही उन्हें निश्चित करता है, इसका उससे क्या संबंध है जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं इस समय, उत्पत्ति एक के संबंध से? जी देखिए, फिजिक्स के नियम के बारे में 3 चीजें हैं। वो मनुष्य के जीवन को संभव बनाते हैं, ये योग्यता देते हैं कि परमेश्वर मनुष्य को पृथ्वी पर रख सके इस पूरी सृष्टि में, और इसलिए हम इसे देखने के द्वारा समझ सकते हैं। और तीसरी बात तो यह है कि फिजिक्स के नियम फाइन ट्यून कर डिजाइन किए जाते हैं कि परमेश्वर ने किस तरह से सारी बुराई और दुखों को दूर कर दिया,
उसने हमें तैयार किया कि बिल्कुल नए क्षेत्र में आ जाएं, जिसे बाइबल नई सृष्टि कहती है, जहां बुराई और दुख फिर कभी नहीं रहेंगे और हमारी स्वयं की इच्छा की श्रमता बढ़ती जाएगी। जब हम कहते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य जीवन को इस पृथ्वी पर संभव बनाया है, हम एवोल्यूशनरी मीन के बारे में नहीं कहते। ये कहता है कि सच में परमेश्वर ने मनुष्य को बनाकर यहाँ पर रखा, और जब वो यहाँ पर रखता है तो ये बात सच है कि ऐसे वातावरण देता है जो उसे संभाल सके। जी सच है, मतलब भजन 104 हमें बताता है कि परमेश्वर इस पृथ्वी को जीवन से भर देता है, जब तक हो सकता है तब तक, जितना हो सके उतना भरता है कि हम मनुष्य को रख सके और सारे साधन से वो परमेश्वर के साथ सहयोग दे कि दुखों का अंत कर दे और हमें नई सृष्टि के लिए तैयार कर सके। और फिर से आपने कहा था उस समय में वापस जाकर देखना जहां परमेश्वर ने संसार को बनाया। आप एस्ट्रोनॉमर कहते हैं कि 13.8 बिलियन साल, ठीक है। आप कहते हैं कि मनुष्य इस पृथ्वी पर कितने साल तक रह सकते हैं? जी, यानी इस तरह से वातावरण में रहना जहां प्रभु हमारा उपयोग कर सके कि उसकी मदद हो, यानी उसके साथ काम कर सके कि बुराई और दुखों का अंत कर दें, तो हम ज्यादा से ज्यादा 20 से 40 हजार साल कह सकते हैं। यानी इन 14 बिलियन में केवल थोड़ी ही जगह है। ये सब उस समय के बारे में बताता है जब परमेश्वर ने मनुष्य को इस पृथ्वी पर रखा था। वो तैयारी थी। ये तैयारी किस तरह होगी, इसका उदाहरण दीजिए। जी, इन एस्ट्रोनॉमर ने ये खोज निकाला है। उन्होंने कहा ये हमें ये जरूर बताता है कि कोई सृष्टि के परे है जिसके पास मनुष्य जाति के लिए बड़ा आदर और सम्मान है, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा समय का अंदर जगह तैयार करने में, और सबसे ज्यादा समय हम इस तरह सिविलाइज दशा में रह सकते हैं। और इसका अच्छा उदाहरण होगा विवाह की विधि, जो केवल 20 मिनट की होगी यदि संगीत इसमें न गिने तो। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि कितना निवेश किया गया है उन 20 मिनट के लिए। अब सामान्य अमेरिकन विवाह तो $20,000 से ज्यादा की होती है। उस विवाह की तैयारी में साल भर का समय बिताया जाता है, लेकिन हम इसे व्यर्थ नहीं समझते हैं, क्योंकि ये कितना बहुमूल्य और उद्देश्यपूर्ण ये 20 मिनट होते हैं। इसी तरह से वो विशेषता में बहुत बड़ा है। देखिए, एस्ट्रोनॉमर हमें बताते हैं कि कोई तो होगा जिसने मनुष्य के लिए बहुत आदर और उद्देश्य हमसे रखा है। और उत्पत्ति एक सच में हमें बताता है कि कैसे प्रभु ने बनाया, लेकिन बाद में महत्वपूर्ण भाग में आता है उसने यहाँ मनुष्य को रखा। और बाइबल की पूरी कहानी यही है कि सृष्टिकर्ता अपनी सृष्टि में आता है और मरकर हमारे पापों के लिए दाम चुकाता है। ये तो बुराई की समस्या का जवाब है। वही है जिसने बुराई को दूर किया है। हम सब इसके भागी थे, और वो है जिसने बुराई पर विजय पाई है और सच में हमें मार्ग देता है जहां हम बुराई से छुड़ाए जा सकते हैं यदि हम चुनते हैं तो। यानी उसने हमें दिखाया है कि इसे कैसे करें, कैसे उसने खुद हमारे सारे अपराधों के लिए दम चुकाया है। हम यदि चाहें तो अपनी सारी असिद्धता को दे सकते हैं उसकी सिद्धता पाने के लिए, और उसके साथ उस नई सृष्टि में प्रवेश कर सकते हैं। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप प्रभु उत्पत्ति अध्याय 1 में जो बता रहा है उसके बारे में प्रोत्साहित हो जाएं, और उत्पत्ति अध्याय 2 के बारे में, और हम वैज्ञानिक सबूत लाने की कोशिश कर रहे हैं जो इससे मिलते हैं। लेकिन साथ ही हम आपको दिखाएंगे कैसे प्रभु हमारी परवाह करता है कि उद्धार के लिए उसकी योजना यीशु मसीह के द्वारा है। अगले हफ्ते हम देखेंगे कि वैज्ञानिकों ने पाया है कि पृथ्वी पर इसके सिवा और किसी चीज का कोई सबूत बिल्कुल नहीं है। इसका अर्थ है कि जीवन कहां से आया, ये सवाल उठता है। कुछ वैज्ञानिक तो कहते हैं कि वो दूसरे ग्रहों को देखते हैं कि जीवन वहां से आएगा। इसलिए हम खबरों में हमेशा ग्रहों के बारे में चर्चा सुनते रहते हैं कि यहां पर पानी मिला और वहां पर कुछ हुआ, और कुछ बताना चाहते हैं वो कि वो अपने अनुमान को बनाए रखें। इसके बारे में चर्चा करेंगे अगले हफ्ते। आशा करता हूं कि आप जुड़ जाएंगे। अगले हफ्ते के प्रोग्राम के भाग देखने के लिए जरूर बने रहें। आज मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। यदि आपने आज के प्रोग्राम का आनंद उठाया और फिर देखना चाहते हैं या हमारे दूसरे प्रोग्राम और विषय देखना चाहते हैं, तो हमारे फ्री जॉन एंकरबर्ग ऐप पर जाएं या हमारी वेबसाइट पर जाकर देखें jashow.org पर। आज की सीरीज का नाम है साइंस डिस्कवर्स द यूनिवर्स हैड अ बिगिनिंग। इसमें एस्ट्रोनॉमर और एस्ट्रोफिजिसिस्ट डॉक्टर ह्यूज रॉस हमें बताते हैं, इस सीरीज में ये सवाल का जवाब देते हैं, किन साइंटिफिक सबूतों ने एस्ट्रोनॉमर को निष्कर्ष निकालने दिया कि संसार की शुरुआत है जैसे बाइबल कहती है। कौन से सबूत दिखाते हैं कि परमेश्वर ने संसार को बनाया कि मनुष्य इस पृथ्वी पर रह सके। कैसे परमेश्वर ने जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून को पृथ्वी की रक्षा के लिए रखा है।
कैसे प्रभु ने सूरज, चांद और तारों को मनुष्य के लाभ के लिए बनाया है। हमने डॉक्टर रॉस के साथ दूसरी सीरीज टेप की है जिसका नाम है स्टेप बाय स्टेप थ्रू क्रिएशन। इन चार प्रोग्राम में डॉक्टर रॉस और मैं आपको उत्पत्ति अध्याय एक और अध्याय दो से आपको सृष्टि की बाइबल की घटना दिखाते हैं और आज इसका साइंटिफिक सबूत है। फिर से आप ये कोई भी प्रोग्राम देख सकते हैं मुफ्त में हमारी जॉन एंकरबर्ग ऐप पर। आप अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए हर एपिसोड डाउनलोड कर सकते हैं केवल हर एपिसोड के लिए $5 देकर jashow.org से। दोस्तों, हमारा लक्ष्य है कि आपको प्रभु के साथ चलने में आपकी मदद करें और मजबूत करें, और संभव है कि प्रभु आज आपसे बातें कर रहा है। यदि आप विश्वासी होना चाहते हैं तो क्या प्रार्थना करके यीशु को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में बुलाना चाहते हैं? यदि हाँ तो बस हमारी वेबसाइट पर जाए और क्लिक करें Pray to accept Jesus as your Savior। प्रभु आशीष दे। अगले हफ्ते मुलाकात होगी।